आपका हमारे YouTube के चैनल में स्वागत है। आपके लिए हम लोग आज एक होंडा सिविक लेके आए जिसको हम लोग रैप नहीं करने वाले, एक्चुअली उसका इंटीरियर चेंज करने वाले। जैसे कि उसके इंटीरियर में हम लोग उसकी सीट्स कवर, उसके डैशबोर्ड, उसके डोर पैड्स, उसके वुडन फिनिशिंग, उसका स्टेयरिंग टोटली इंटीरियर चेंज करने वाले। हम लोग उसका रूफ भी है जो भी उसको ब्लैक में हम लोग रैप करेंगे। तो गाइज आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा मैं। ये गाड़ी मेरे पास थाने से आई हुई है, मेरे एक फ्रेंड है संतोष वाघमारे जो कि थाने गोल्ड मैन है, उनके थ्रू ये गाड़ी आई हुई है। तो आपको मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि पहले गाड़ी कैसे थी, बाद में कैसे थी, कस्टमर का आपको रिव्यू भी बताऊंगा। तो चलो गाइज आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए हम लोग ने वुडन का फिनिशिंग का जो पैनल किया हुआ है, फिर ये लेदर ब्लैक में लगा हुआ है, और इसके स्टिचेस देखिए जो कि ब्राउन लेदर में जो कि टैन कलर में क्या दिख रहे हैं। ये नीचे का पैनल हम लोग ने ब्लैक में पेंट किया हुआ है। ये डैशबोर्ड में आपको थोड़ा वुडन में पानी दिखता होगा बिकॉज बारिश गिर रही है बाहर, दैट्स वाई। और ये भी हमने वुडन किया हुआ है। ऊपर का डैशबोर्ड हाफ ब्लैक में और हाफ टैन कलर में पेंट किया हुआ है, ये पता भी नहीं चल रहा है। और हम लोग आते हैं इसे गियर के नॉब के पास, जो आता है पैनल उसको भी हम लोग ने वुडन किया हुआ है। और इसका जो स्टेयरिंग है, उसका एयर बैग है, उसको भी हम लोग ने देखिए पेंट किया हुआ है टैन कलर में। और इसकी स्टेयरिंग है उसको हम लोग ने वुडन में किया हुआ है। और उसका स्टेयरिंग का जो लेदर है देखिए, उसकी फिटिंग देखिए कैसी है विथ स्टिचेस। ए लेफ्ट साइड का डोर पैड कैसा लग रहा है देखिए आपको। और फिर हम लोग आते हैं सीट के पास, देखो सीट की जो स्टिचेस है बॉर्डर की, डबल सिलाई की है, उसकी फिटिंग देखिए, आपको ऐसे ढूंढ के भी नहीं मिलेगी, जो कि बर्फी डिज़ाइन में सीट्स कवर हम लोग ने बनाया है। और ये बीच का जो पैनल है उसको भी हम लोग ने टैन कलर में पेंट किया हुआ है। परवेश भाई आपको काम कैसा लगा मेरा? नहीं विनय भाई आपका काम तो एकदम परफेक्ट है, फिनिशिंग एंड ऑल जो भी है। और किसी को कराना रहे ऐसा गाड़ी का तो आप विनय भाई के पास ही आइए, उनका रेट वगैरह भी सब कुछ परफेक्ट है, ताकि उनका काम जो भी है एक बोलते हैं मुंबई की लैंग्वेज में एक नंबर है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई, आपने हमारे फाइनल शॉट्स को देखे होंगे, हमारा काम देखा होगा, हमने इंडिया काम कैसे किया होगा। जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि डैशबोर्ड तो हमने पेंट किया हुआ है, आपको ऐसे लगेगा कि वो गाड़ी तो पूरा डैशबोर्ड तो हमें लेदर लगाया हुआ है, गाड़ी का स्टेयरिंग उसको लेदर लगाया हुआ है, गाड़ी के वुडन्स हमने बनाए हुए, गाड़ी की जो सीट्स की फिटिंग्स है वो आपको ऐसा लगे कि आप BMW Mercedes Audi में घूम रहे हो, आपको अंदर का फीलिंग आएगा गाड़ी में बैठने के बाद। तो गाइस आपको ऐसे ही ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।